स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। मैं सोनम सारस्वत आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अराइवल ऑफ यूरोपियंस का पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे कि पोर्टुगीज जो कि इंडिया में आए थे ट्रेडिंग के लिए और धीरे धीरे उन्होंने अपना क्या किया, ट्रेडिंग का एक्सपेंशन किया और उनका एंड जो है वो कैसे होता है वो अब हम देखने वाले हैं कि जो पोर्टुगीज जो थे उनके जो ट्रेडिंग का एंड है या फिर जो उनका रूल था इंडिया में उसका एंड कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल 17th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने जो पोर्टुगीज थे उनका ट्रेड जो था एक्सटेंड कर लिया था बंगाल तक। 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेके 1700 एडी तक का पीरियड, ये जो 100 साल है ये 17th सेंचुरी है। ओके, तो 16th सेंचुरी की शुरुआती जो 50 ईयर्स थे, जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर वो बंगाल के अंदर ट्रेड करने लग गए थे जो पोर्टुगीज हैं। उन्होंने हुगली पे अपना फोर्ट भी बनाया था और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टैक्सेस देने बंद कर दिए, अपनी मनमानी शुरू कर दी और उन्होंने स्लेव ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर दी थी, जिसकी कंप्लेंट जो किसने की, बंगाल के जो सूबेदार थे उन्होंने की मुगल एम्परर के जो कहाँ थे, दिल्ली के किंग थे शाहजहां को की। और उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट्स के बाद फोर्ट्स जो थे डिमोलिश कर दिए, मतलब फोर्ट्स तुड़वा दिए, पोर्टुगीज के फोर्ट तोड़ दिए गए जो हुगली पे थे, उनके शिप्स जो थे उन्हें जला दिए गए। इसी के साथ जो क्या होता है, पोर्टुगीज रूल जो होता है वो सिमट के रह जाता है गोवा, दमन और दीव तक, बाकी सब जगह से उनके फोर्ट जो है हट जाते हैं और दूसरी फॉरेन पावर्स जो आ जाती है वो भी उनका क्या कर देती है, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होती है उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि पोर्टुगीज का रूल जो है एंड हो जाता है, वो रह जाते हैं गोवा, दमन एंड दीव तक। अब कौन सी जो फॉरेन पावर है जो इंडिया में आ चुकी थी पोर्टुगीज के जस्ट बाद, पोर्टुगीज के 100 सालों बाद डच होते हैं हॉलैंड के, हॉलैंड आज के टाइम में नीदरलैंड को हॉलैंड बोला जाता था, ठीक है, डचेस जो हैं आते हैं हॉलैंड से और जस्ट 100 इयर्स लेटर आते हैं पोर्टुगीज के बाद और वो अपने फोर्ट्स बनाते हैं मद्रास और पुलिकट में और स्लोली स्लोली 1663 तक आते आते वो ट्रेडिंग सेंटर बना लेते हैं आगरा में, ठीक है, अच्छे से डचेस का ट्रेड चल रहा होता है। Meanwhile, 1600 का जो टाइम होता है तब ब्रिटिशर्स जो होते हैं चार्टर साइन करवाते हैं क्वीन एलिजाबेथ से, तो 1610 तक आते आते ब्रिटिशर्स को भी परमिशन मिल जाती है इंडिया के साथ ट्रेड करने की। तो इससे क्या होता है कि जो डचेस होते हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं और वो उन्हें कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, इस वजह से क्या होता है डचेस जो हैं वापस चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक इंडिया में ट्रेडिंग नहीं करते। अब हम देखते हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो आए थे इंडिया में उनका क्या कंपटीशन था, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया और कैसे कौन ज्यादा पावरफुल। हम बात कर रहे हैं द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, कब आए, क्यों आए। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन 1600 सी एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और कुछ मर्चेंट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले होते हैं वो अपना शिप लेके इंडिया आते हैं और जो फर्स्ट ब्रिटिश शिप इंडिया आता है उसे लेके आते हैं विलियम हॉकिंस। और ये फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो है कहाँ उतरता है, सूरत में उतरता है इन द ईयर 1608। ओके, तो विलियम हॉकिंस जो है फर्स्ट ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने भारत में अपना पैर रखा। अब विलियम हॉकिंस क्या करेंगे, उस वक्त मुगल एम्परर थे जहांगीर, जहांगीर से मिलने जाएंगे और परमिशन के लिए बोलेंगे, बट जहांगीर जो है परमिशन उन्हें नहीं देंगे इंडिया में और सूरत में ट्रेड करने की। तो एक बार क्या होते हैं ब्रिटिशर्स को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन स्टीफन विलियम हॉकिंग्स के बाद सर थॉमस रॉय जो हैं वो आते हैं इंडिया उनके 2 साल बाद और इन 1610 और उन्हें परमिशन मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की। इसी के साथ 1610 में जो होता है ब्रिटिश ट्रेड जो होता है इंडिया में स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग जो है इंडिया में स्टार्ट होती है सूरत से, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जहांगीर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मुगल एम्परर कौन बनते हैं, शाहजहां बनते हैं, पावर शाहजहां के हाथ में आ जाती है और लेटर 10-15 साल बाद क्या होता है, जब शाहजहां एम्परर बन जाते हैं तो ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देते हैं टू ट्रेड विद बंगाल। अब ब्रिटिशर्स क्या है, बंगाल तक आ गए हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिटिशर्स के पीछे पीछे यूरोप की एक और कंट्री से एक कंपनी आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आती है 1664 CE में। उनकी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है सूरत में, फिर मछलीपट्टनम में, फिर पौंडीचेरी में। इनके हेड कौन होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड होते हैं वो होते हैं जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स।
जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, वो चाहते हैं कि जो यूरोपियन रूल जो है इंडिया में फैल जाए और स्पेशली फ्रेंच रूल जो है इंडिया में फैल जाए, फ्रेंच एक्सपेंशन हो इंडिया में फ्रेंच ट्रेड का। तो इस वजह से क्या होता है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जो होते हैं आपस में कंपटीशन में आ जाते हैं और इनके बीच में इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, और उसके बाद ब्रिटिशर्स जो होते हैं विनर्स की तरह सामने आते हैं। मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं बहुत सारे बैटल्स और डिस्प्यूट्स में फ्रेंच आर्मी को जो है हरा देते हैं, फ्रेंच आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी से हार जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है पावरफुल हो जाते हैं और जो फ्रेंच होते हैं उनका कंट्रोल जो है सिर्फ कहाँ रह जाता है, पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। तो अब जो फ्रेंच है वो इन तीन टेरिटरीज तक समिट के रह गए हैं। अब इधर ब्रिटिशर्स को ट्रेड की परमिशन मिल गई बंगाल में, तो बंगाल में ट्रेडिंग शुरू करते हैं ये 1651 में, जब इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश होती है हुगली पे। हुगली पे ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, कौन से ईयर में, 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री एट हुगली। अब इस फैक्ट्री को ये क्या करेंगे, फोर्टिफाइड करेंगे, फोर्ट बनाएंगे इसके प्रोटेक्शन के लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, शाहजहां के बाद जो नए मुगल एम्परर आएंगे वो होंगे औरंगजेब, और ये ट्रेडिंग करते करते औरंगजेब जब मुगल एम्परर बन के आते हैं तो औरंगजेब क्या करते हैं फ्रेंड्स, औरंगजेब ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ट्रेडिंग की परमिशन दे देते हैं। मतलब पहले ब्रिटिशर्स टैक्स दे रहे थे मुगल एम्पायर को और मुगल एम्परर को, ठीक है, लेकिन अब क्या है जो ये टैक्स फ्री ट्रेडिंग करेंगे, मींस कि अब इनको ना तो बंगाल के नवाब को टैक्स देना है ना ही औरंगजेब। औरंगजेब से एक फरमान ले लेते हैं, एक रॉयल चार्टर ले लेते हैं, साइन करवाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें बंगाल में ट्रेडिंग के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस तरीके से बंगाल में ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए हैं। अब ब्रिटिशर्स जो हैं 1757 से 1857 तक मोर पावरफुल हो जाते हैं, ट्रेडिंग कंट्रोल के साथ साथ पॉलिटिकल कंट्रोल ले लेते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासे एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसके साथ जो ब्रिटिश जो है ट्रेडिंग के साथ साथ इंडिया पे रूलिंग शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स का जो 200 साल का हमारे ऊपर रूल था वो शुरू होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए इंतजार करिएगा और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।